तो दोस्तों यहाँ पे विंडोज मतलब बोला जाए तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक नया ही कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। यस, विंडोज 11 स्पेशल एडिशन SE वर्जन, और ये खास करके होगा यार लो एंड PC, मतलब लो एंड क्यों बोल रहा हूँ और क्या आपको भी अवेलेबल हो जाएगा कि क्या होने वाला सिलसिला क्या है। ये विंडोज 11 SE नया वर्जन आ रहा है, इसकी ISO फाइल अवेलेबल होगी, क्या कुछ है टोटली आज बात करने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक अलग ही हंगामा मचा दिया भाई। विंडोज 11 अभी थोड़ी सेटल ही हुआ था बात, पर एक और आ गया। बाकी आज यार इस पर बात करने वाले हैं। बाकी स्वागत है दोस्तों एक और न्यू वीडियो में। देखो आज यार हम यार पूरा एकदम खोल के रख देंगे ये माइक्रोसॉफ्ट की जो नई चीज निकल के आ रही है। देखो जितना आप सबको पता है यार, अगर आप सब लैपटॉप यूजर हो या कभी आपने लैपटॉप लिया हो या नॉर्मल भी यार लोग थोड़ा बहुत सर्च तो कर ही लेते हैं, तो अगर आप थोड़ा रेंज देखोगे ना 30,000 से 50,000 के बीच में लैपटॉप वैपटॉप जब आप सर्च कर रहे होगे तो आपको एक चीज दिखती है, क्रोमबुक। हाँ, क्रोमबुक आपने यार देखा तो बहुत बार होगा, नोटिस भी किया होगा और काफी भाइयों ने लिया भी इवन होगा। तो क्रोमबुक भाई एक ऐसा बोल सकते हो, क्रोमबुक स्पेशली आता है एक तरीके से बोल सकते हो क्रोम की तरफ से, और उसमें जो OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो डला रहता है वो होता है क्रोम OS। और ये क्रोम OS यार कोई स्पेशल नहीं है वैसे, अगर आप चाहो तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हो, इवन हमने भी आई बटन पे वीडियो बना रखी है इसके ऊपर। क्रोम OS का ये है यार, उस सिस्टम के हिसाब से काफी हद तक ऑप्टिमाइज रहता है और आपको परफॉर्मेंस दिखाल देगा उस हिसाब की। यहाँ पे यार दिक्कत वाली बात होती है कि इसका जो BIOS होता है ना ये अपना क्रोमबुक का, वो इस तरीके का थोड़ा डिजाइन रहता है, मुश्किल पड़ती है विंडोज इंस्टॉल करना। हालांकि आप कर तो सकते हो पर यार फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखा जाए तो आज की डेट में भी काफी भाई होंगे, अगर आप भी यार यूज कर रहे हो विंडोज क्रोमबुक पे तो जरूर बताना। वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया ना, मेरे को यार इसके बारे में इतना कुछ खास पता है, मेरे को इतना पता है कि उसके BIOS से दिक्कत आ सकती है। तो ये यार टोटली क्रोमबुक की बात थी। क्रोमबुक अपना चलता है, काफी लोग लेते हैं, उसमें जो यार ऑप्टिमाइजेशन अच्छी, मतलब यार आपका काम अच्छा चलेगा क्रोम OS के साथ, वो आता है। अब यहां पे हुआ क्या, इसकी को कंपटीशन देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वालों ने अपने पैर आगे बढ़ा दिया। पैर क्या, मैं तो बोलूंगा अपनी पूरी बॉडी आगे बढ़ा दिया है भाई। यहां पे इसी प्राइस में, मतलब ये क्रोमबुक आपको यार 30-40 के रेंज के आसपास ही दिखते हैं, और इसी प्राइस के रेंज में, मतलब मैं बोलना चाहूंगा 25 से लेके 40 तक आप मान सकते हो, इस रेंज में ये लोग भी ऐसे लैपटॉप ला रहे हैं जहां पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ मिलने वाला है ना ये होगा विंडोज 11 SE, यस स्पेशल एडिशन जिसकी मैं बात कर रहा था। अब ये स्पेशल एडिशन है तो कुछ हटके होगा क्या होगा। देखो एक चीज तो क्लियर है, देखो आपको जब यह लैपटॉप 30,000 या 25,000 के इस रेंज में मिल रहा है तो उसमें कुछ इतने खतरनाक वाले स्पेक्स तो बिल्कुल नहीं होने वाले। हल्का फुल्का ही प्रोसेसर होगा, रैम होगी, ग्राफिक कार्ड का तो चांस बड़ा मुश्किल ही लगता है, पर यही जो लैपटॉप बनेगा ना कॉन्फिगरेशन वाला उसके साथ विंडोज 11 SE को मैच करवा देंगे, और बेसिकली पर्पस ये होगा कि आपको ऑप्टिमाइजेशन और अच्छी परफॉर्मेंस मिल पाए उस लैपटॉप पे, खास करके उस पे। ये नहीं कि आपने कुछ और डाल के कर लिया, नहीं, उस OS के साथ आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिले। SE जो होने वाला है यार ये एकदम आईफोन के SE की तरह ही होने वाला है। यस, जो ये विंडोज 11 SE होने वाला है इसमें यार फीचर्स कुछ मेरे को लगता है यार विंडोज 11 से लाएंगे, कॉन्सेप्ट उठा के लाएंगे, कुछ चीजों में रख भी देंगे, छोड़ भी देंगे, कुछ कुछ चीजें आपको नहीं भी मिल सकती है लाइक एंड्रॉइड ऐप सपोर्ट, शायद ये सब चीजें देखने वाली होगी, नहीं भी मिल सकती है। तो ये टोटली चीज थी भाई। अब विंडोज 11 SE के जब लैपटॉप आएंगे तब बात करेंगे, पर यहां मामला ये निकल के आता है कि अगर भाई विंडोज 11 SE रिलीज हो जाती है, होगी जैसा हमें लगता है, अब ये जो OS होगा क्या ये पब्लिक के लिए अवेलेबल, जैसे यार क्रोमबुक का है, अपना क्रोम OS है तो वो भी तो पब्लिक के लिए अवेलेबल है ना, आप कर सकते हो डाउनलोड, बहुत सारे मेथड है हमने भी जैसा बता रखा है, तो बिल्कुल भाई विंडोज 11 SE भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर वो अवेलेबल होता है तो क्या आप भी अपने ओल्ड PC पे ट्राई करना चाहोगे उसे, मेरे को जरूर बताना। क्या पता यार परफॉर्मेंस वाइज अच्छा निकले, अब वो देखने वाली बात होगी, अभी से कुछ बोल नहीं सकते। बाकी हाँ, SE कुछ नया ही मामला होने वाला है, आपको क्या लगता है आप ट्राई करना चाहोगे कि नहीं कमेंट में बताना। बाकी टोटली अभी तक जितना पता चला आपको बता दिया, कुछ भी नया आएगा जरूर बताएंगे, शायद ये भी यार रिलीज हो तगड़ी तरीके से तब अलग मजा आएगा। बाकी चलो यार इस वीडियो में इतना पसंद है तो बिल्कुल लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब तो यार कर ही देते हो आप लोग, उसके लिए तो बोलने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब बटन तो आप ऐसे ऐसे करके तोड़ के मचोड़ देते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।